आज एक प्रश्न है किसी साधक का कि हम ये कैसे विश्वास करें कि भगवान नाम की कोई चीज है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि भगवान नाम की कोई चीज भी एग्जिस्ट करती है। वैसे तो फैक्ट ये है कि ऐसा कोई भी नहीं है जो जब भी कोई अकस्मात कोई एकाएक कोई मुसीबत आ जाती है और अनाउंसमेंट हो गया कि कुछ गड़बड़ है, प्लेन में गिर सकता है, तो देखिए आप पूरे प्लेन में लोग तुरंत चाहे विजय धर्म क्यों हाथ जोड़कर जैसे तैसे प्रेयर करने लगते हैं भगवान से। कोई मुसीबत आती है, बचने का कोई रास्ता नहीं दिखाई देता, लोग बार बार भगवान से ही प्रेयर करते हैं, हे भगवान अब तेरा ही सहारा है। तो वैसे मानते तो सही करना चाहते कि हम भगवान को मानते हैं। तुलसीदास जी ने तो यहां तक कहा कि पृथ्वी पर ऐसा कोई खाली कोई ह्यूमन बीइंग नहीं, जीव जंतु जितने भी क्रिएचर हैं इस जमीन के ऊपर इस पृथ्वी के ऊपर ऐसा कोई नहीं है जो श्री राम से जो भगवान से सबसे अधिक प्रेम ना करता हो। अस को जीव जंतु जग माही जेहि रघुनाथ प्राण प्रिय नाही। जो आपको सबसे प्रिय होता है, प्राण प्रिय जिसको आप कहते हैं, जिसके बिना रहा ही नहीं जा सकता, यदि ऐसी कोई चीज है तो वो है प्रेम, हैप्पीनेस, ब्लिस, आनंद। वाल्मीकि जी ने भी अपनी रामायण में लिखा लोके नहीं सविद्येत यो न राम मनुव्रता। मैं तो इस पूरी पृथ्वी पर एक को भी नहीं देखता जिसे राम जो राम का फॉलोअर ना हो, जो भगवान का फॉलोअर ना हो, मानता ना हो दिन रात उन्हें, ऐसा कोई नहीं। क्यों? क्योंकि यदि उनसे पूछा जाए जो कहते हैं कि हम भगवान को नहीं मानते, अगर उनसे पूछा जाए कि आप हैप्पीनेस में बिलीव करते हैं, यू वांट हैप्पीनेस, हाँ बिल्कुल क्यों नहीं करते, हैप्पीनेस तो हम चाहते हैं। और जितने काम सुबह से लेकर रात तक हम करते हैं, कुछ मेंटल कुछ फिजिकल, सब हमारे जितने भी कार्य होते हैं वो केवल और केवल हैप्पीनेस के लिए ही होते हैं। हम हमारे जो काम सुबह से शाम तक हम करते हैं मेंटल या फिजिकल, वो सारे कार्य ऐसे हैं जो हम तभी करना चाहते हो, देखने में ऑपोजिट भी लगते हैं, जैसे खाना या नहीं खाना, सोना या जागना, बोलने की इच्छा होना या चुप रहना, एकांत में रहना या भीड़ में रहना। कभी भीड़ में रहना अच्छा लगता है, कभी एकदम अकेले रहना अच्छा लगता है, कभी बोलना अच्छा लगता है, कभी चुप बैठना अच्छा लगता है, कभी किसी के घर जाना अच्छा लगता है, कभी नहीं जाना अच्छा लगता। ये सब चीजें देखने में एक दूसरे के कॉन्ट्रडिक्टरी है, कोई एक सा नहीं है, लेकिन फिर भी यदि आप ठीक से एनालाइज करें कि हम ये सब क्यों करते, तो आपको एक उत्तर मिलेगा, अपने सुख के लिए करते हैं। आप सोना चाहते, कल आप डेस्परेट थे सोने के लिए, आप सोना चाह रहे थे, आपको सोने की जगह मिल गई तो आप सोते रहिए, सोने में अगर सुख है तो नहीं। फिर हम जागना चाहते हैं, ऐसे में हम नहीं सोना चाहते, क्यों? क्योंकि अब हमको जागने में सुख मिल रहा है। अभी हम खाना चाहते हैं, ये खाने में सुख मिल रहा है, नहीं खाना चाहते, क्यों? हमें खाने में सुख नहीं मिल रहा है।
हर चीज जो हम करते हैं अपने सुख के लिए करते हैं। और आपको पता है ये सुख क्या है? हमारे जो इटर्नल ग्रंथ है वेद, जिनको ज्ञान का सबसे बड़ा प्रूफ माना जाता है वेद, वो वेद कहते हैं आनंदो ब्रह्मेति वेजाना। आनंद की परिभाषा क्या है? ब्रह्मेति, भगवान का ही एक एपिथेट है आनंद। रसो वैसा रसक्म ये वानंदी भवती, फिर से वेद कहता है कि वही रस है, वही आनंद है, वही ब्लिस है, और उसको ही प्राप्त करके आनंद मिल सकता है, और कोई दूसरा साधन आनंद प्राप्ति का नहीं है। तो हम सब तो आनंद ही चाहते हैं। कोई भी मूर्ख से मूर्ख मनुष्य भी और विद्वान से विद्वान मनुष्य भी ये नहीं कह सकता कि हमको आनंद नहीं चाहिए। आनंद तो सबको चाहिए। तो इसके मतलब आप सबको भगवान चाहिए। ये बात, हमको आनंद चाहिए लेकिन भगवान वाला नहीं चाहिए। ये बात ऐसी है जैसे एक भोला बच्चा कहता है कि हमको अपने बाप से तो बहुत प्यार है लेकिन हमारे माँ का पति हमको बिल्कुल पसंद नहीं, मैं इससे बात नहीं करना चाहता। वो बेचारा जानता है नहीं, जो तुम्हारा बाप है वही तो तुम्हारी माँ का पति है। ठीक इसी प्रकार हम ये तो कहते हैं हमको आनंद चाहिए, ब्लिस चाहिए हमें, भगवान का नाम मतलू विष्णु ऐसा हम लोग कहते हैं। लेकिन वस्तुतः मानते तो सब है, नास्तिक या एथिस्ट उनको कहते हैं जो वेद शास्त्र के वचन पर विश्वास नहीं करते, यानी ये मानते भी नहीं मानते कि ईश्वर नाम की कोई चीज है। नास्तिको वेद निंदक, जो वेद की निंदा करता है, नहीं मानता उनकी बात को, उसे नास्तिक कहते हैं। वस्तुतः कोई नास्तिक है नहीं। मैक्समुलर ने कहा था कि जो इंडियन स्क्रिप्चर्स हैं ये इस बात को दावे से कहते हैं कि भगवान है, और तमाम जो फिलोसफर्स वो कहते हैं नहीं। लेकिन बुद्धिमत्ता इसी में है, वही वॉइस है जो ये मान लेता है कि भगवान है, हो चाहे ना हो। चलो मान गया तुम्हारी बात नास्तिको कि भगवान नहीं है, तो भी मान लो कि भगवान है। क्यों मान ले जबरदस्ती? जब नहीं है भगवान तो मान क्यों ले कि भगवान है? अरे ये मान लोगे कि भगवान है तो तुम सुधर जाओगे, तुम डरोगे, बुरा काम करते हुए तुम्हें भय लगेगा कि अरे दंड मिलेगा, भगवान देख रहा है सबको, सर्वव्यापी है वो, तो हमको पनिशमेंट मिलेगा, रख जाना पड़ेगा। इस भय से आप अच्छे काम करोगे तो थोड़ा सभी लोग अगर डरेंगे भगवान से तो करप्शन कम हो जाएगा, इमोरिटी घट जाएगी, उसकी मात्रा बहुत कम हो जाएगी। और अगर मान लो कि भगवान है और हमने नहीं माना, नहीं है मान लिया तो हमारा लाभ होगा, और है और हमने मान लिया कि नहीं है भगवान, तो हम पूरी तरह से मनमाने ढंग से करप्शन में लग जाएंगे। अब किसका डर? कोई तो हमें देने वाला धन है नहीं, तो हमें किसी का भय नहीं है, हम ऐसा समझ बैठते हैं। और फिर उसके बाद मनमाने काम करते हैं, मनमाने ढंग से तामसी खाना पीना रहना बोलना सब कुछ उसी प्रकार हो जाता है हमारा। इसलिए भगवान को मान लो। तो जो भगवान को नहीं मानते, वेद शास्त्र की बात को नहीं मानते, उनको नास्तिक कह देते हैं। ये नास्तिक दो प्रकार के होते हैं। एक तो वे जो बहुत ही भोले हैं, बल्कि उनको आप कहेंगे ब्लाइंड फॉलोअर हैं, अंधविश्वासी हैं, उन्हें जो भी समझा दे, कन्विंस कर ले किसी बात के लिए भी, तो वो उसी बात को फॉलो करने लग जाते हैं। तो अगर उन्हें कोई सेंटली पर्सन मिल गया या सेंट मिल गया
या किसी ने उनको समझा दिया कि देखो भगवान नाम की चीज है और हमको वो हर कर्म का फल देते हैं, वही आनंद है, संसार में आनंद नहीं है जहां तुम भाग रहे हो, और उसकी समझ में आ गया, उसको जो समझा देगा जो ढंग से वो समझ लेगा। उसने अगर समझ लिया किसी वाइज पर्सन के कॉन्टेक्ट में वो आ गया और उसने समझ लिया तो उसका बहुत बड़ा लाभ हो जाएगा। जैसे वो कह देगा वैसे वो करने लग जाएगा। आप लोगों ने एक भक्त का नाम सुना है धन्ना जाट, बहुत गरीब था वो, तो वो सोचता था कि ये कैसे गरीबी खत्म हो। एक टाइम उसकी माँ उसको खाना बना के खिला देती थी, खेत वेत में काम करता था जाके। लेकिन उसने देखा एक पंडित जी ने तालाब में स्नान किया, नहाने के बाद उन्होंने बैली ग्राम उनके पास में थे निकाला और पूजा की उनकी बैठ के ध्यान लगाया, वो सब देखता रहा। बाद में उसने पूछा पंडित जी आप क्या कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि मैं पूजा कर रहा था। किसकी पूजा कर रहे थे, तो वो शालिक ग्राम वो जो गोल गोल काले रंग का पत्थर होता है उन्होंने दिखाया, बोले हम इनकी पूजा कर रहे थे। तो ये क्या है, बोले ये भगवान है। भगवान है हाँ, तो आप इनकी पूजा क्यों कर रहे थे, बोले इसलिए कि अगर हमने इनकी पूजा कर ली ये प्रसन्न हो गए तो हमको सब दुखों से छुटकारा मिल जाएगा, अनंत आनंद मिल जाएगा, कभी दुख नहीं होगा और जो चाहोगे सब तुम्हारे तुमको मिल जाएगा इनके प्रसन्न हो जाने से। तो उसने कहा ये तो बहुत बढ़िया तरकीब है अमीर हो जाने की, खुश हो जाने की, हमारे पास तो बड़ी कमियां हैं, तो चलो हम भी इनकी पूजा शुरू करते हैं तो हम भी धनवान हो जाएंगे। ये शारीरिक काम मुझे दे दो, ये कहा नहीं वो जो तो मूड था वो तो पीछे पड़े, नहीं हमको भी दो हमें भी पूजा करनी। तो पंडित जी ने कहा देंगे, हमको घर तक जाने दो मैं तुमको लाके दे दूंगा, तुम उसकी पूजा करना, इनकी पूजा तो मैं करता हूं। तो उनके घर में एक पत्थर जिसे भांग होती जाती है, बहुत से लोग भांग पीते हैं तो उससे उसको पीसते हैं, उसको भांग घुटना कहते हैं, भांग घोटने वाला, भांग पीसने वाला। वो एक पड़ा हुआ था पुराना उनके पास में, वो लाके दे दिया, बोले मैं इसकी पूजा कैसे करूंगा। पंडित जी ने सोचा कि इसको वेद मंत्र या कुछ संस्कृत संस्कृत तो आती नहीं है, कुछ टालना ही है, तो बीच पर पीछे पड़ गया है कि मुझे पूजा करनी है। तो उनका बस तुम ऐसा करना दो काम, एक तो नहा के इनको नहलाना और दूसरे बिना इनको खिलाए मत खाना, पहले इनका भोग लगाना फिर खाना। आशीर्वाद जी दो काम तो मैं कर लूंगा आराम से। फिर उसने ये शुरू किया और उसकी माँ ने दो रोटी उसको ला के दी खाने के लिए, तो उसने भगवान के सामने रख दी, वो एक बंद घुटने के सामने रख दी कि खाओ आप खाएंगे उसके बाद हमें खाने को मिलेगा। लिए बेचारा बैठा रहा घंटों, लेकिन अब वो पत्थर का टुकड़ा था बंद घुटना, वो क्या खाए नहीं खाया तो उदास हो गया। उसने कहा अच्छा हम समझ गए, ये तुम पंडित जी के पास रहते थे वहां से आए हो, तुमको उनका वियोग हो रहा होगा, बुरा लग रहा होगा कि तुमको वहां से हम यहाँ ले आए हैं, तो तुमने आज नहीं खाया, कोई बात नहीं मैं भी नहीं खाता। फिर उसने दूसरे दिन फिर भोग लगाया, फिर नहीं खाया। तो भाई अब तो एक दिन हो गया, कब तक तुम शोक मनाते रहोगे पंडित जी के पास से आने का, अब तो खा लो। नहीं खाया। उसकी माँ रोज डांटे उसे कि तो ऐसे मरेगा क्या, खाना नहीं खाएगा कमजोर हो जाएगा, खेत में जाके तुझे काम करना है हल चलाना है कैसे करेगा। उसका नहीं, पंडित जी ने कहा था इनको बिना खिलाए मत खाना नहीं तो तुम्हारी पूजा गलत हो जाएगी, तो जब तक ये नहीं खाएंगे मैं नहीं खा सकता। बेचारा रोज ऐसे करता रहा, 6 दिन बीत गए इसी प्रकार। अब वो भगवान तो प्रकट हुए नहीं, तो 7वें दिन उसकी ये हालत हो गई, उसके चक्कर आने लगा, उसे खड़ा ना हुआ जाए, इतनी वीकनेस उसको हो गई। तो भगवान तो टेस्ट लेते हैं पहले, फिर तो अपार छुपा भी करते हैं। जब उन्होंने देखा कि इसका इतना अटल विश्वास है,
इसका निश्चय इतना पक्का है कि जब तक मैं नहीं खाऊंगा ये नहीं खाएगा। जब उन्हें पता चल गया, देख लिया, परीक्षा ले ली उसकी, तो भगवान प्रकट हो गए और भोजन करने लगे। दो रोटी थी, भगवान ने एक रोटी खाई, वो देखता रहा बैठा हुआ बड़ा खुश होकर। जब दूसरी रोटी पे कस्सा तोड़ा तो उसने कहा, नहीं नहीं भाई, हमने तो सुना था तुम बड़े दयालु हो, तो बड़े क्रूर हो भाई। भाई क्यों? अरे देख रहे हो, मैं भी तो 7 दिन का भूखा हूँ, तुम भी भूखे हो क्या 7 दिन से? मैं भी 7 दिन का भूखा हूँ, दो रोटी तो एक तुम्हें खानी चाहिए, एक तो मेरे लिए छोड़ दो, मैं बहुत भूखा हूँ। तो ठाकुर जी के आंखों से आंसू बहने लग गए कि इतना प्यार, इतना अपनापन, इतना विश्वास है इसको। तो अगर ऐसा जो अंधविश्वासी है, अगर उसको कोई सही ज्ञान देने वाला मिल जाए तो उसका बहुत बड़ा लाभ हो सकता है, और अगर कोई गलत रास्ता दिखाने वाला मिल जाए तो उसी तेजी से वो गलत रास्ते पर भी चलता है। लेकिन अच्छा भी कोई मिला तो भी ऐसा जो अंधविश्वासी है, जो ब्लाइंड फॉलोअर है, वो उसको अच्छा नहीं कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि अगर उसने आज अंधविश्वास कर लिया किसी के ऊपर, अच्छे मार्ग पर चलने लगा, तो कल अगर किसी और ने कुछ गलत बात बता दी तो दूसरे गलत मार्ग पे भी चल पड़ सकता है। इसलिए जो अंधविश्वासी पहले टाइप की जो नास्तिक हैं, ये बहुत उपयोगी, बहुत अच्छे नहीं कहलाए जा सकते। दूसरे तरह के जो नास्तिक हैं, वो तर्क बुद्धि वाले, लॉजिशियन, बात को लॉजिक से सिद्ध करना होता है। तो ऐसे जो नास्तिक हैं, लॉजिक वाले, वो भी दो तरह के होते हैं। एक तो वो नास्तिक जो हर बात में बहस करेंगे, उनको प्रमाण चाहिए, लॉजिक से सिद्ध हो जाए कोई बात तो मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। लेकिन वो जो पहले क्लास तरह के लॉजिक पर निर्भर करने वाले लोग हैं, वो अगर लॉजिक से हर बात सही बैठ जाए और उसको कन्विंस कर लिया जाए, उसको पता हर प्रश्न का उत्तर मिल जाए, सेटिस्फाई हो जाए वो, तो वो चल पड़ता है भगवान, मान लेता है, व्यर्थ की बहस नहीं करता, फिर काफी चौक बजाकर ही मानता है, बहुत बहस करके ही मानता है। लेकिन फिर जब मान लेता है, जब पता चल जाता है कि हाँ ये सही है, तो वो मान लेता है। तो ऐसे व्यक्ति का कल्याण संभव है। दूसरे तरह के वे लोग होते हैं जो लॉजिक से हर बात को जानना चाहते हैं, बहस करते हैं हर बात में, लेकिन अगर ये सिद्ध भी हो जाए कि जो तुम कह रहे हो वो गलत है, तो भी वो मानेंगे। दो लोगों में बहस हो गई एक बार कि बकरी की, एक बोल रहा है बकरी के 4 टांग होती है, दूसरा कहता है नहीं 3 होती। बोले अरे सारी दुनिया जानती है, तो गिनना नहीं आता क्या? बकरी के 4 टांग होती है, क्या नहीं 3 ही होती है। बहुत बहस हो गई। तो ये हुआ कि सर बकरी लाओ, और शर्त लगाते हैं 100-100 रुपए की, जो हारेगा तो उसको 100 रुपए देने पड़ेंगे। तो वो लोग दुकान पे किसी बैठे थे, दुकानदार को दोनों ने 100-100 रुपए दिए, वो गया बकरी लेने के लिए, जो कह रहा था 4 टांग है, लेकिन मैं अपनी बकरी ला के दिखाता हूँ, कैसे नहीं मानोगे तुम। तो जब वो चला गया ना, दुकानदार ने कहा तू पागल है क्या, बकरी की तो 4 टांग ही होती है, और तू बहस कर रहा है 3 टांग और 100 रुपए की शर्त लगा बैठे, ये 100 रुपए तेरे जाएंगे बेकार। उसने कहा कैसे बेकार जाएंगे? बोले 4 टांग ही होती है उसकी, वो लेके आ रहा है। बोले मैं मानूंगा तब ना, तो ले लाने तो उसको बकरी, मैं अगर मानूंगा कि 4 टांग है तभी तो 4 होंगी टांग उसकी, अगर मानूंगा ही नहीं तो 4 हुआ कभी टांगे तो कैसे मानूंगा। तो इस तरह के भी बहुत से लोग होते हैं, बुद्धिवादी इंटेलेक्चुअल्स, जो कि सबको सिद्ध हो जाने के बाद ठान ही लिया है कि हमको मानना ही नहीं, पता चल गया सच्चाई क्या है, फिर भी मान। ऐसे लोग बड़े दयनीय हैं, क्योंकि इनके कल्याण का कोई मार्ग नहीं, कोई इनको नहीं समझा सकता, वो तो संसार में ही लगे रहेंगे, 84 लाख में घूमेंगे, उनके कल्याण का कोई मार्ग नहीं हो सकता।
जो स्पीक करते इन्वेस्ट वही, तो वो अच्छी तरह टोक बजा के, जो ऐसे लोग हैं जो बहस करने के बाद, प्रश्न भागे सारे करने के बाद सही उत्तर मिल जाए तो मान लेते हैं, ऐसे लोग जब